इस कड़कती सर्दी में गौशाला वाले गायों को कैसे बचाते हैं इस ठंड से, आइए मैं आपको गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में दिखाता हूँ। यहाँ पर गायों के लिए एक रसोई है जहाँ स्पेशल गायों के लिए खाना बनाया जाता है। यहाँ गायों की रसोई में एक तो हम बना रहे गायों के लिए ओटी। ओटी बनती है पानी के अंदर, ये हम आप देखेंगे तो गुड़ को काफी देर तक खौलाया जाता है, उबाला जाता है, और दूसरी तरफ यहाँ बनाया जा रहा है गायों के लिए दलिया। गर्म पानी में अनाज को उबाला जाता है और इसके अंदर थोड़ा गुड़ मिला दिया जाता है टेस्ट के लिए। तो ये दलिया और ओटी। इसके अलावा गायों के लिए हमारे पास रोटी की मशीन है। जब ये दलिया बन जाएगा तो हम गायों के लिए गरम गरम रोटियां बनाएंगे और गायों को खिलाएंगे। यहाँ पर जो गायों के अलावा बहुत सारे जीव हैं उनको इस एक बंद टीन शेड में रखा गया है। उनके लिए यहाँ पर हीटर लगाए गए हैं और इस पूरे वार्ड को चारों तरफ से जो टेम्परेरी चिक होती है उससे बंद करके इसको कम्प्लीटली ठंड से बचाने का प्रोसीजर यहाँ पर किया गया है। इन डॉग्स के अलावा यहाँ पर बहुत सारे अन्य जो जीव हैं उनको चारों तरफ से कंबल से ढक दिया गया है और उनके अंदर भी हमने छोटे छोटे हीटर लगाए हैं ताकि उनके जो वार्ड है वो थोड़े गर्म रह सके। आइए, ये हमारा प्रांगण है गायों का। इस वार्ड में यदि हम देखेंगे तो आईसीयू वार्ड के अंदर जितनी भी हमारी गाय हैं उन सभी को हमने कंबल से ढका हुआ है। सुबह के समय जो गाय बैठी हुई गाय होती हैं उन गायों को एक साइड से दूसरी साइड पलटी कराई जाती है। उस पलटी का कार्य चल रहा है, इधर एक तरफ साफ सफाई का कार्य चल रहा है और जो गोबर वाले गौ सेवक हैं वो अपने गोबर का कार्य कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो ऑरेंज जो ड्रेस है ये सभी गौ सेवक हैं और ग्रीन ड्रेस जो है वो डॉक्टर की टीम है जो गायों की पलटा पलटी एवं उनकी सेवा में लगी हुई है। एक आईसीयू वार्ड इधर है और एक इधर भी आईसीयू वार्ड है जिसमें बहुत सारी असहाय जो गाय है जो खड़ी नहीं हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान बदलना, ये सब कार्य गौ माताओं के लिए हमारी गौ सेवक टीम, हमारी डॉक्टर टीम सब मिल करके कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि बहुत सारी ऐसी गाय अभी बाकी होंगी जिन्हें सहारे की आवश्यकता है और इस ठंड से बचाने की आवश्यकता है, तो कम से कम आप अपने आसपास की जो गौवंश हैं, गाय हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं जो आपके आसपास घूमते हैं या आपको दिखते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, उन्हें कंबल से ढक सकते हैं और उन्हें कोई आश्रय प्रदान करने के लिए किसी गौशाला में छोड़ दें, और बीमार हैं, घायल हैं तो उन्हें गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में छोड़ दें, हम उनका इलाज करेंगे और यहाँ सभी गायों के साथ में उन्हें रख करके उनको संपूर्ण सुविधा, संपूर्ण उनका इलाज, संपूर्ण उनकी सेवा यहाँ गौ सेवाधाम परिवार करेगा।